स्लीप वॉक यानी कि नींद में चलना। आपने इसके बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो आज हम जानेंगे इंसान नींद में चलता क्यों है और नींद में चलते चलते वो क्या क्या कर सकता है, और नींद में चलते हुए इंसान को अगर हम जगा दें तो क्या होगा। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम सब रोज सोते हैं, सोना यानी कि नींद लेना बॉडी की एक नीड है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नींद में चलते हैं, उसे ही हम स्लीप वॉकिंग कहते हैं। तो चलिए जानते हैं ये लोग नींद में चलते क्यों है। हम जो नींद लेते हैं उसमें बेसिकली 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है अवेक स्टेज। इस स्टेज में हमें नींद आ रही होती है और हमारी आंखें भारी होने लगती है। बीच बीच में आंखें बंद भी हो जाती है पर हमें पूरी तरह से नींद नहीं आती। दूसरा स्टेज होता है लाइट स्लीप। इस स्टेज में हम नींद में होते हैं पर ये नींद इतनी भी गहरी नहीं होती। हल्की सी आवाज़ में भी हम जाग जाते हैं और ये स्टेज में हमें सपने नहीं आते। हमारा तीसरा और आखिरी स्टेज है डीप स्लीप। डीप स्लीप में हम पूरी तरह से नींद में होते हैं और कोई भी आवाज़ होने पे हम नहीं उठते। इस स्टेज में हमें सपने भी आते हैं और हमें नींद से जगाना मुश्किल हो जाता है। डीप स्लीप स्टेज पर हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को पैरालिसिस स्टेज पर पहुंचा देता है। वो इसलिए क्योंकि हम सपना देख रहे होते हैं और हमारी बॉडी सपने के अकॉर्डिंग मूव कर सकती है, इसलिए वो पैरालिसिस स्टेज पर पहुंचा देता है। जब बॉडी और ब्रेन का ये तालमेल बिगड़ जाता है तभी कोई इंसान स्लीप वॉक करता है। वैसे तो ये बहुत आम बात है, 5 से लेकर 12 साल के बच्चों में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। पर कुछ स्लीप वॉकिंग के केस इतने अजीबोगरीब हैं कि उन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ब्रेन 1987 में केनेट पार्ट्स नाम का एक इंसान जिसको नींद में चलने की एक आदत थी, वो सुबह 4-5 बजे अपने कार के पास आता है और वो अपने कार को 12 किलोमीटर ट्रक ड्राइव करता है और अपने सास ससुर के घर पहुँच जाता है। वहाँ वह नींद में अपने सास को मार देता है। जब सुबह होती है तब वो पुलिस स्टेशन जाता है और बोलता है कि लगता है मैंने किसी का खून कर दिया है। जब पुलिस जांच करती है तब उन्हें पता चलता है कि उसने नींद में ही अपने सास को मार दिया। 2009 में रिचल वर्ड इंग्लैंड की रहने वाली 18 साल की लड़की नींद में चलते चलते खिड़की से छलांग लगाती थी। वो 25 फीट नीचे गिर जाती है और गिरते ही मदद के लिए आवाज़ लगाती है। उसके मम्मी पापा आके उसे उठाते हैं, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो गिरने के बाद भी नींद से नहीं उठती है और नींद में ही मदद के लिए चिल्ला रही होती है। 2005 में एक औरत रात को उठती है, नींद में चलती चलती वो अपना कंप्यूटर स्टार्ट कर देती है और अपने दोस्तों और कलीग्स को मेल लिख डालती है। जब उसके दोस्त सुबह आकर उसे पूछते हैं कि यह क्या मेल लिखा है, तब उसे पता चलता है कि उसने नींद में चलते चलते मेल लिख डाले हैं। एक 11 साल के लड़के के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। वो रात में नींद में कार्ड्स खेल रहा होता है। जब उसके डैड रात को देर से घर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बेटे ने हाथ में कार्ड्स पकड़े हुए हैं। पर वो जब गौर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी आंखें बंद है, वो नींद में कार्ड्स खेल रहा होता है। पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब उसके डैड उसको पुकारते हैं तो वो मुड़कर उसके डैड की ओर देखता है पर उसकी आंखें बंद हुई होती है। तो आते हैं हमारे सवाल पे कि क्या होगा अगर कोई नींद में चल रहा हो और हम उसे जगा दें। कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम उसे जगा दें तो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा या फिर वो कोमा में चला जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ डर जाएगा और पूछेगा कि मैं यहाँ कैसे आया। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो से कोई नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।